नमस्कार, सुकुला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ेंगे चतुर्भुज। आइए पढ़ते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज की परिभाषा क्या है? चार भुजाओं से बनी आकृति जिसके चारों कोणों का योग कितना हो? 360 हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज का पहला प्रकार है वर्ग चतुर्भुज। इसका क्या है? जिसकी सभी भुजाएं समान अपूर्ण 90 अंश के हों। मतलब वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं, चारों भुजाएं, जैसे यहाँ पे कितनी भुजाएं? चार भुजाएं ए बी सी डी, ये चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। और इनमें जो कोण है वो कितने अंश का है? 90 अंश का। प्लस इनके जो विकर्ण होते हैं वह भी सम कोण में प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब दोनों विकर्णों का जो क्रॉस पॉइंट होता है वो कितने डिग्री होता है? 90 अंश का होता है। फिर आते हैं दूसरा, आयत चतुर्भुज। आयत चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर व कोण 90 अंश के होते हैं। वर्ग चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं, जैसे यहां पे दो एक भुजा ए बी और इसके सामने कौन सी भुजा है? बी सी। ए बी और बी सी माप में बराबर होंगी और समानांतर भी होंगी। इसी प्रकार ए बी और बी सी ये दोनों भुजाएं आमने सामने हैं तो लंबाई में इनकी माप बराबर है और इनका जो कोण है वह 90 अंश का है। नेक्स्ट आते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज सभी भुजाएं समान व कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। वर्ग चतुर्भुज में क्या था? सभी भुजाएं समान होती हैं व कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज में भुजाएं तो समान होंगी लेकिन उनके जो कोण होते हैं वो 90 अंश से क्या होंगे? कम होंगे। आमने सामने के कोण बराबर होंगे लेकिन जो सारे कोण है वो दो कोण अधिक कोण होंगे और बाकी के दो कोण न्यून कोण होंगे। नेक्स्ट आते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का क्या है डेफिनेशन? आमने सामने की भुजाएं समान व समानांतर होती हैं व कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। सेम आयत चतुर्भुज की तरह है। आयत चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। सम चतुर्भुज में भी आमने सामने, समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है, लेकिन इनका जो कोण है वो क्या है? 90 अंश नहीं है। नेक्स्ट आते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या है? सिर्फ कोई दो भुजाएं समानांतर होती हैं। क्या होती है? समानांतर। उनकी माप से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे इसमें देखिए भुजा ए बी व भुजा सी डी क्या है? समानांतर है, जबकि इनकी माप दोनों की अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार हमने चतुर्भुज को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी क्लास में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।